नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रैक्टर नगर पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंजन के क्रैंकशाफ्ट के बारे में। ये जो क्रैंकशाफ्ट आप देख रहे हैं ये टूट चुकी है, 1, 2 और 3 तीन इसके खंड हो गए हैं, मतलब तीन भागों में ये टूट चुकी है क्रैंकशाफ्ट। ऐसा क्यों हुआ है उसको हम बताएंगे आपको, क्या कारण है जो टूट गया है, और उसके साथ साथ आपको क्रैंकशाफ्ट के बारे में भी थोड़ा बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को, जिससे आपको यहाँ डेली के डेली जितनी भी वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में क्रैंकशाफ्ट को देख सकते हैं, ये है क्रैंकशाफ्ट जो कि टेढ़ी मेढ़ी एक शाफ्ट की तरह है, इसको क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं। दरअसल ये क्रैंक जो पिस्टन होता है, पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन यानी कि जो ऊपर नीचे की चाल होती है उसको ये गोलाई में कन्वर्ट करता है, मतलब ऐसे ऐसे ये कन्वर्ट करता है, इस तरीके से घूमता रहता है। और जब इस तरीके से घूमेगा तो पावर ये सीधा लेके जाके फ्लाई व्हील में देगा और फ्लाई व्हील से क्लच से होते हुए गियर बॉक्स में चली जाती है। ये इसका काम होता है कि मतलब जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है यानी जो ऊपर नीचे की चाल होता है उसको गोलाई में कन्वर्ट करना। और ये कार्बन स्टील या फिर कास्ट आयरन की बनी होती है। इसके भागों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये इधर देखिए, ये क्रैंक गियर लगा हुआ है, इसमें एक की लगी हुई है एक, ठीक है। और यहाँ पे इसको देखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे मेन जनरल, और यहाँ भी मेन जनरल है, ठीक है। और इसको बोलेंगे फ्लैंज, जो ये है ये वाला भाग इसको बोलेंगे फ्लैंज, और इसमें एक डबल दिया गया है, ठीक। अब इसकी बात करते हैं, ये हिस्सा, ये इसको बोलते हैं क्रैंक पिन बोलते हैं, ये जो टूटा हुआ है इसमें होल है, ठीक है। इसको सुराख जो है ये इसलिए होता है ताकि लुब्रिकेशन, इसमें ऑयल का आवागमन होता रहे। और ये जो आप देख रहे हैं इसको क्रैंक बेब बोलते हैं, ठीक है, क्रैंक बेब इसको। तो चलिए, वैसे तो यहाँ देख रहे हैं ये टूटी हुई है, वैसे तो क्रैंकशाफ्ट जल्दी से टूटती नहीं है, लेकिन टूट गई है तो उसके कौन कौन से कारण हैं चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला कारण ये देखिए क्रैंकशाफ्ट टूटने का, ये जो पिन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पिन, अगर इस पिन में ऑयल नहीं पहुँचेगा तो इसमें घिसावट होने लगेगी और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और साथ साथ अगर प्ले भी रहेगा तो ये टूटने का चांस इसमें बन जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हीट हो जाएगा, ऑयल नहीं पहुँचेगा तो टूटने का चांस बन जाएगा। इसके अलावा मेन बियरिंग का अलाइनमेंट गलत हो और बियरिंग कैप का ढीला हो तो भी ये टूटने का चांस इसमें बन जाता है। इन सब के अलावा अगर शाफ्ट फ्लाई व्हील या हाउजिंग, जो गियर बॉक्स इंजन के साथ जो अलाइनमेंट होता है, अगर वो बिगड़ जाता है तो भी क्रैंकशाफ्ट का जो पिछला हिस्सा है हमेशा झटका खाता रहता है और सहन करता है, तो उसके कारण भी अंत में क्रैंकशाफ्ट को तोड़ देगा वो। करते हैं, इस वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।